तो चलिए दोस्तों, अडानी पावर में दो अपडेट आया है, दो क्या तीन अपडेट आया है, लेकिन अपडेट आया है दो ही लगभग, मेन कह लें एक तो तीसरा अपडेट भी है, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी सही है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक ट्रेडिंग विंडो से रिलेटेड है, एक अपडेट है और एक चेंज इन डायरेक्टर है, मतलब एक डायरेक्टर चेंज कर दिए गए हैं, एक अपडेट आया है नया अपडेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक ट्रेडिंग विंडो से रिलेटेड अपडेट है। ये ट्रेडिंग विंडो वाला तो मैं ऐसे ही बता दूंगा बिना ओपन की ही। अब सबसे पहले ये वाला हम लोग बीच वाला देखेंगे, जो अभी एक बात और ध्यान दे दो, अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है ये, अभी जस्ट देखिए यहाँ पे 15:14 पे अपडेट मैं वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए चेंज इन डायरेक्टर 17:07 पे ये अपडेट आया है, मतलब 7-8 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ चल के वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट और भी आएंगे, ऐसा नहीं कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस को भी हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे पीडीएफ को, सबसे पहले जो मेन वाला हम लोगों का पीडीएफ है यहाँ पे 30 मार्च 2024 वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग, हिंदी पीडीएफ हम लोग देखेंगे। अब कंपनी यहाँ पे कह रही है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब कंपनी कह रही है कि हम, और ये देखिए यहाँ से ये बीस से पहले देखिए, एवी सेडा इंफ्रा पार्क लिमिटेड, ये एक कंपनी की सहायक कंपनी है जिसको AIPL में प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के लिए सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन के द्वारा के अनुसार किए गए हमारे प्रकटीकरण के अपडेट हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये हमारा जो संदर्भ है, पिछला खुलासा दिनांक 25 जनवरी 2024 को दिया, मतलब कोई अपडेट इन्होंने 25 जनवरी 2024 को दिया था, और उसी का जो है ये कह लें कि आगे जो भी डिसीजन लिया गया उसका जो है ये पीडीएफ है, मतलब और उस पर जो है किया गया, क्या है वो आपको बता दूं, मुझे पता है लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं। ऊपर उल्लिखित हमारे प्रकटीकरण के अलावा हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि प्रस्तावित लेन देन, जिसके लिए पहले एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे 25 जनवरी 2024, सीधा कह ले उसको, के पक्षों के एक पक्षों ने एक शेयर खरीद समझौता का निष्पादन किया है, जो खरीद समझौता था उसको जो है एकदम खत्म कर दिया गया, मतलब उसको जो है एकदम अंतिम चरण में पहुंचा दिया गया, उसको जो है पूरा कर दिया गया तीन लाख, ठीक है ना, और लेन देन का समापन किया है। इसके मुताबिक AIPL में अब अडानी पावर लिमिटेड की हिस्सेदारी हो गई है, अब यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे नहीं हो गई है क्या है यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो है बताया गया है। अब देखिए, मेसर्स को बिक्री का हस्तांतरित अदानी निकोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड, उपरोक्त के परिणाम स्वरूप AIPL अब जो है अडानी पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नहीं रह गई है। अब मैटर समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये तो हो गया एक ही पीडीएफ है, अब मैं आपको सीधा 25 तारीख वाला पीडीएफ दिखा देता हूँ एक बार, फिर समझाता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है ना। अब ये पीडीएफ आप लोग देखिएगा 25 जनवरी 2024 वाला था, और इसी के आसपास इसका रिजल्ट भी आया था, वो वाला थर्ड क्वार्टर वाला। अब यहाँ पे बता रही है कंपनी बीसा की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां 100% इक्विटी हिस्सेदारी बिक्री से रिलेटेड जो है सेबी को ये जो है कोई अपडेट दिए थे, और वहां पे बताया था कि सूचित किया जाता है कि अडानी पावर लिमिटेड कंपनी ने अपनी दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी AIVSEDA जो है इंफ्रा पार्क लिमिटेड, जिसका भी नाम मैं पढ़ रहा था आज वाली पीडीएफ में, AIPL में अपनी 100% इक्विटी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU में प्रवेश किया है, और इनोवेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड से अदानी कानेक्स प्राइवेट लिमिटेड का भी, ठीक है ना। तो देखिए नतीजन जैसा कि ऊपर कहा गया है, बिक्री पूरी होने पर AIPL और IBPL पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां नहीं रह जाएंगी। अब पूरा मैटर समझ लीजिए क्या हुआ है, ठीक है ना। अडानी पावर ने अपनी दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां, जिनका नाम था, एक का AIVSEDA था और दूसरा का इनोवेंट बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के लिए जो है बेचने के लिए, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जो 100% इक्विटी शेयर इनके पास था, उसको बेचने के लिए जो है एक हस्ताक्षर इन्होंने किया था, ठीक है ना। और उसको उस समय तो मतलब कहा गया था कि हम बेचने वाले हैं, हस्ताक्षर हुआ है कि हम बेचेंगे हैं, तो उन्हीं दोनों कंपनियों को बेच दिया है कंपनी ने 100% इक्विटी शेयर, किसको, अडानी कॉनेक्स प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है ना, इसी ग्रुप की ये भी कंपनी लग रही है। तो
इसी का जो ये उस समय हस्ताक्षर हुआ था उस तरह मतलब डील हुई थी, और अब उस डील को कुल मिला के कहें कि एग्जीक्यूट कर दिया गया है, मतलब हिस्सेदारी बेच दी गई है, सीधा सीधा कह लें निष्पादित कर दिया गया है, ठीक है ना, उसको सब कुछ। तो ये एक अपडेट आया था जिसको मैं क्लियर कर दिया, और वो वाले न्यूज़ से भी कनेक्शन क्या हुआ था वो भी मैं बता दिया, ठीक है ना। तो ये एक पहली न्यूज़ थी। उसके बाद दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि डायरेक्टर चेंज हो गए हैं इनके। एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। कंपनी बता रही है कि कुछ स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो इसलिए उनको जो है यहाँ पे इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। सूचित किया जाता है कि श्री मुकेश शाह, ठीक है ना, एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना दूसरा और अंतिम कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप व्यावसायिक घंटों की समाप्ति के बाद कंपनी के निदेशक नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है एक अपडेट आया है। अब ये कौन थे, कैसे थे, कितना काम कर रहे थे, कैसे, वो बड़े बड़े लोगों का एनालिसिस का मुद्दा है। हमारा बस ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है अब नहीं रहेंगे, क्योंकि दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, मतलब 10 साल ये इस पद पे रहे हैं स्वतंत्र निदेशक के रूप में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप मतलब पद पे। तो अब इनको जो है निकाल दिया गया है, या फिर कहें कि इनका कार्यकाल पूरा हो गया है सीधा सा, ठीक है ना। अब तीसरा वाला जो एक अपडेट आया है ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग से रिलेटेड, तो ये सिंपल सा वही अपडेट है कि जब भी कोई क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है तो वो मंथ जब क्लोज होता है, मतलब मंथ का जो एंड हो जाता है, जैसे कि मार्च का आ रहा है तो मार्च एंड हो जाएगा, तो अब जो है कंपनी अपना इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को जो है वो क्लोज कर देगी, और ये तब तक क्लोज रहेगा जब तक कि अडानी पावर का रिजल्ट आ नहीं जाता, Q4 वाला। Q4 वाला रिजल्ट आ जाएगा उसके भी 48 घंटे के बाद प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग, इनकी सब्सिडियरी कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग, जितने भी मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग में आएंगे, जिनको पता है कि कंपनी का क्या बिजनेस मतलब में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, मतलब जो भी लोग अंदरूनी लोग हैं उन सबको ट्रेडिंग करने से रोक दिया जाएगा सेबी की तरफ से। ये 1 अप्रैल से ट्रेडिंग इनकी बंद हो जाएगी, और वही बता रहा हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, और रिजल्ट आने के 48 घंटे बाद ही ये सब शेयर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, नहीं तो नहीं, पहले बेचना खरीदना होगा, तो ये सब फायदा उठा लेंगे ज्यादा, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको जो है बंद कर दिया जाएगा। एक और अपडेट आया था, हो सकता है आपने पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो बता दूं कि अभी जस्ट, क्योंकि ये 1 अप्रैल से अभी लागू होगा, इसको जो है SM के स्टेज 3 से निकाल के स्टेज 2 में कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये SM के स्टेज लॉन्ग टर्म के स्टेज में, लॉन्ग टर्म के स्टेज 3 में था, पहले 4 में था, 3 में आया, अब 3 से निकल के ये 2 में भी आ चुका है, जो मैं वीडियो बनाया था, और ये 1 अप्रैल से लागू होगा, ठीक है ना। और वही शुक्रवार को आया था अपडेट मेरे हिसाब से, तो देख लीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए मैं बता दिया, और आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसमें 700 रुपये के आसपास मैंने अपना टारगेट डिसाइड करके रखा है। खरीदारी यहाँ पे भी हो सकती है, आप लोग चाहो तो छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, 500 या 500 के नीचे का नहीं, स्टॉप लॉस अगर फॉलो करना है तो बिंदास खरीदारी करिए, एक बार एवरेज आप लोग कर लीजिएगा, जब इसमें वही 460-70 के आसपास जाएगा, 450 के आसपास जाएगा, तो एक बार एवरेज करके नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा 400 के आसपास का, ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए तेजी आनी है तो यहीं से आनी है, लेकिन अगर नीचे आएगा तो एक बार डिप मार के भी नीचे से ऊपर जा सकता है, ऐसी भी संभावना है, जैसे कि यहाँ से एक बार इस तरह से नीचे आके 480 तक फिर से इस तरह से जा सकता है, नहीं तो यहाँ से ऊपर जाके सस्टेन करके यहाँ से भी भाग सकता है। तो तब तो इंतजार नहीं ना करेंगे कि वो वाली गिरावट हो तो खरीदे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना क्या जाएगा, तो वही बात है, हमको अपने प्लान के हिसाब से काम करना है, बाकी पता किसी को नहीं है। तो देखिए 700 का टारगेट इसमें मिल सकता है, तो आप लोग देख लीजिए, मेरे साइड से सब कुछ ओके हो गया है, खरीदारी करने का भी रहेगा, तो देख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, लेटेस्ट अपडेट देने की जिम्मेदारी मेरी है, जैसे 5 मिनट के अंदर ये वीडियो बनाए, हालांकि देते देते 25-30 मिनट हो जाएगा, वो तो उतना चलता है, ठीक है ना। तो लाइक करिएगा दबा के, देखते हैं कितने लाइक आप लोग कर पाते हो। किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो मेरा एक ग्रुप है, आप लोग मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना।